नमस्कार, अपना पंजे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। महिलन के निजी फोटो वीडियो वायरल कई के ब्लैकमेल कराए के मामला आए दिना देखे का मिलत हवे। ऐसने घटना का रोके खातिर महिलन का जागरूक होए के परी। मित्रता और शादी के झांसा दे के आरोपी निजी फोटो वीडियो बनाए ले थमा, जेके बाद ब्लैकमेल करब शुरू कर दे थमा। ऐसने एक ठे मामला समान थाना क्षेत्र से आवा हवे, जहां सीधी जिला के कोदौरा थाना अमलिया के रहे वाला युवक राहुल पटेल पिता रामकरण पटेल महिला का लंबे समय से ब्लैकमेल करत रहा। पीड़िता के शिकायत में पुलिस आरोपी का पकड़ के सलाखन के पीछे पहुंचा दीन हमा। जिला में बढ़ रहे अपराध का लयके जहां आम जनता डेरान है, वहीं विपक्षों सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रशासन के ऊपर हमलावर हो गई। कुछ दिन पहले चोराटा थाना क्षेत्र के पड़िया मोड़ में निकेश यादव और उनके भाई अरुणेंद्र यादव के ऊपर प्राणघातक हमला कीन गया रहा, जेमा निकेश यादव की मौत हो गई रही। जेमा पुलिस हत्या के मामला दर्ज कई के देवरा चोराटा के रहे वाले दिनेश मिश्रा उर्फ गोरेलाल, अंकित पांडे और ब्रजेश कुमार पांडे का आरोपी बनाए दीनमा। आरोपी बनाए गए युवक के परिजन के साथ नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन सौंप के निष्पक्ष जांच के मांग करी हमा। के पास पड़िया मोड़ के पास अभी 23 तारीख को एक यादव परिवार के दो लड़कों के ऊपर हमला हुआ था। एक की हत्या हो गई और एक सीरियस घायल हो गए। इसमें उस गांव के दो तीन लोगों को बेगुनाहों का भी नाम शामिल कर लिया गया, जबकि जो सीरियस है उन्होंने ये बताया था कि 6 लोग थे मारने वाले, इसमें से एक को हम पहचानते हैं। तो हम लोग आज एसपी साहब के पास पूरे गांव के लोग आए थे और ये निवेदन उनसे किया कि भाई आप निष्पक्ष जांच कराइए। हत्या हुई है तो अपराध तो बिल्कुल जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी घर का हो, किसी के घर का एक लड़का चला गया, एक उसके औरत का आदमी चला गया, बेटे का बाप नहीं रह गया, तो जिसने भी हत्या किया है उस अपराधी को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। पर बेगुनाह भी न फंसें, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की होनी चाहिए। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे और जो जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि बेगुनाहों को ना फंसाया जाए। और गाँव के सारे लोग आज यहाँ आए हैं, इन लोगों का कहना है कि ये लोग थे ही नहीं वहाँ पर, जिनका नाम है जैसे ये अपना ब्रजेश पांडे, दिनेश मिश्रा, अंकित पांडे, ये वहाँ पर थे ही नहीं और ये बड़े गरीब परिवार के लोग हैं, इनको साजिशन फंसा दिया गया। अब ये किसकी साजिश थी ये तो जांच पे ही समझ में आएगा। बाल सुधार गृह से भागे 5 अपचारी बालकन का सुहागी पुलिस अपने अभिरक्षा में ले लीन हवा। बताबा जात है कि अपचारी बालक नदी पार कई के मंदिर में छुपे रहे, जिनका पुलिस मंदिर के पुजारी के सूचना में अभिरक्षा में ले लीन हवा। अपना का बताए दे, बीते दिना किचन के खिड़की टोर के बाल अपचारी फरार हो गए रहे, जिनके तलाश में पुलिस भटकत रही। सगली घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई रही। आई अपना का सुनाई थे पकड़े गए बाल अपचारी के संबंध में एडिशनल एसपी मऊगंज का जानकारी दीन हमा। 5 बाल अपचारी संप्रेषण गृह से चले गए थे, उनको सुहागी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। अब कथन लेकर के संप्रेषण गृह को उनको सुपुर्द किया जाएगा। कहाँ पकड़े गए? ये सुहागी थाना क्षेत्र। रीवा में समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला पत्रकारन से चर्चा के दौरान थाना सिटी कोतवाली के आला अधिकारियों के ऊपर खुले आम अतिक्रमणकारी का संरक्षण दे के आरोप लगाए कि कहीं के थाना सिटी कोतवाली के उदासीनता और अकर्मण्यता के चलत अतिक्रमणकारी राजस्व न्यायालय के आदेश के लगातार अवहेलना करत लागमा। आई अपना का सुनाई थे समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला का कहीं। गढ़रिया इसकी जमीन है, उस पर अनिल सिंह भदौरिया और भोला पटेल द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके संबंध हमने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को कई बार आवेदन दिया, पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया हो, कलेक्टर को भी आवेदन दिया हो और सिविल न्यायालय से स्थगन होने के बाद भी मेरी बाउंड्री वॉल को तोड़ करके और अपना बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, मकान निर्मित किया जा रहा है, जबकि कलेक्टर महोदय के निर्देश पर उनका अतिक्रमण हटाया जा चुका है। तहसीलदार शुक्ला
और थाना का जो उप निरीक्षक है सौरभ सोनी ने मौके पर जाकर के 2 मई हमको कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के बाद भी उन लोगों ने 18 मई को फिर से हमारे बाउंड्री वाल, हमने बाउंड्री वाल निर्माण कराया, एक कमरे का मकान निर्माण कराया, और मकान निर्माण कराने के बाद इन लोगों ने फिर से मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ा। तो हमने आनंद फानंद में तत्काल धरना प्रदर्शन, वहीं पर धरने पर जब बैठ गए तो थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने उसी रात 12 बजे अपने पुलिस दल के साथ वहां पहुंचे और धरना प्रदर्शन खत्म तब हुआ जब उन्होंने उसके द्वारा बनाई गई बाउंड्री और गेट को तोड़ करके और हम लोगों को कब्जा दिलाया गया। इसके बाद भी अनिल सिंह भदौरिया द्वारा, जबकि सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश है कि जो जहां स्थित हैं वो वहीं रहेंगे, इसके बाद भी स्थगन आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने मेरी बाउंड्री को फिर से, मकान को फिर से तोड़ दिया और अपना मकान निर्मित किया जा रहा है। इस संबंध में हमने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, थाना प्रभारी हो, सभी के पास गुहार लगाई है कि हमारा जो जमीन है उसको मुक्त कराया जाए। जान से मारने की धमकियां तमाम मिल रही हैं, तो इस तरह से हम उस जमीन को मुक्त कराने के लिए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो, चाहे राजस्व के हो, सब लोगों को हमने आवेदन दे करके थक हार चुका हूं। मैंने एक बार फिर से अब मीडिया के माध्यम से उन्हें आगाह कराना चाहता हूं कि यदि हमारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया तो आज से ठीक 15 दिन के बाद हम फिर से उसे जमीन के पास गड़रिया में टोल प्लाजा के पास जो स्थित है वहीं पर फिर से अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चूंकि के पंजीयन से ही जमीन का दस्तावेज से ही माना जाता है कि इसकी जमीन ये है, तो तमाम सारे दस्तावेज होने के बाद भी सिटी कोतवाली पुलिस उस जमीन को हमारी जमीन मानने को तैयार नहीं है। जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है उसकी जमीन को वो मानने को तैयार है। इसलिए साफ साफ है कि सिटी कोतवाली पुलिस के साह पर हमारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और पुलिस चुपचाप चुप्पी साधे बैठी है। ये तमाम सारे अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि शांतिपूर्ण हम कानून का सहारा लेकर के और अपनी जमीन पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस, हमको तो ऐसा लगता है कि कोई इस फिराक में है, कोई बड़ी वारदात हो जाए। और अभी आप देखे हैं कि कई मामले सामने आए हैं जमीन को लेकर के, तमाम मारपीट, तमाम सारे मुकदमे हो रहे हैं और पुलिस यही चाह रही है। मऊगंज थाना के एक वीडियो समूही आबाहा जिमा जनपद अध्यक्ष गोविंद नारायण तिवारी द्वारा पटेहरा के सरपंच पति अर्जुन पटेल के ऊपर आरोप लगावत हमा के नशा के अवैध कारोबार के खिलाफ मऊगंज से पुलिस का बुलाइन हमा, यह ठीक नहीं करें, पुलिस का ऊँह हईन खन के गाड़ी दही। आई अपना को सुनाई थे उनके वीडियो माँ कौन मेर की अभद्रता कही रहे हमा। आज खातिर इतने बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।